मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि कुछ बच्चे एक बर्थडे पार्टी में बॉटल स्पिन गेम खेल रहे हैं। गेम के रूल्स आसान हैं। रुकने के बाद जिसके तरफ बॉटल का सिर होगा उसे घुमाने वाले के साथ कबर में बंद होना होगा। अब स्टू की बारी है। उसका दोस्त चार्ली, जो मूवी का नायक भी है, उसे चुनी लड़की को इम्प्रेस करने का तरीका बताता है। अब चार्ली की बारी है। वह बॉटल घुमाता है और बॉटल अनीशा नाम की लड़की पर रुकती है। नियम के मुताबिक दोनों कबर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अनीशा के इरादे कुछ ठीक नहीं होते। वह चार्ली को पसंद करती है, लेकिन चार्ली नहीं मानता। दरवाजा टूट जाता है और चार्ली बाहर गिर जाता है। अनीशा को ये देख बहुत गुस्सा आता है और वह उसे श्राप दे देती है कि जिस भी लड़की के साथ वह जाएगा उसकी शादी किसी और लड़के से हो जाएगी। सीन बदलता है और अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। चार्ली एक डेंटिस्ट बन गया है और स्टू एक प्लास्टिक सर्जन। चार्ली बताता है कि वह जिस लड़की को डेट कर रहा था उसकी आज शादी है। वह दोनों काम के बाद उसकी शादी में जाते हैं, जहां उसकी एक्स चार्ली को शुक्रिया बोलते हुए कहती है कि वह उसका लकी चार्म था, क्योंकि इसके जाने के बाद ही उसको उसका जीवन साथी मिल गया। वहां बैठी लड़कियां उसके बारे में बात करने लगती है, लेकिन चार्ली का दिल तो कैम नाम की लड़की पर आ गया है। वह सुंदर तो बहुत है, लेकिन उसकी हरकतें, चलिए छोड़िए। अगले दिन जब चार्ली अपने क्लिनिक आता है तो देखता है कि वहां सारी पेशेंट लड़कियां हैं। जब वह घर आता है तो उसे अनजान लड़कियों के वॉइस नोट मिलते हैं। मुझे तो ये श्राप से ज्यादा आशीर्वाद लग रहा है। आगे दिखाते हैं कि कैम पेंगुइन्स को खाना दे रही और दिमाग की कमी के चलते अपना दांत तुड़वा बैठती है। वह चार्ली को कॉल करती है और चार्ली तुरंत अपने क्लिनिक पहुंच जाता है और उसका दांत ठीक कर देता है। फीस लेने के बदले वह उससे डिनर पर जाने के लिए पूछता है, लेकिन कैम मना कर देती है। चार्ली वहां से निकल ही रहा होता है कि लड़की दोबारा से आ जाती है और बोलती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। चार्ली उसे घर छोड़ देता है और दोबारा से डिनर के लिए पूछता है, लेकिन फिर से कैम मना कर देती है। जब चार्ली घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी असिस्टेंट वहां बैठी हुई है। वह उसे बताती है कि उसे पता चला है कि जो लड़की चार्ली के साथ सोती है उसे उसका जीवन साथी मिल जाता है। इतना बोलकर वह उस पर कूद जाती है, बेचारा चार्ली। अगले दिन सुबह स्टू उसे बोलता है कि उसे कुंवारी लड़कियों की मदद करनी चाहिए। पहले तो वह मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। वह जिन लड़कियों के साथ सोता उसकी अगले ही दिन उनकी शादी हो जाती। कुछ समय बाद चार्ली यह सर्विस करना बंद कर देता है और तीसरी बार कैम से डेट पर जाने के लिए पूछता है। इस बार कैम मान जाती है। वह दोनों दिन भर बाहर घूमते हैं और खूब मजे करते हैं, लेकिन चार्ली उसके साथ रात बिताने को मना कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कैम की शादी किसी और से हो जाए। अगले दिन वह एक मोटी लड़की को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है, ताकि वह तय कर सके कि उसका श्राप सच है या भ्रम। अगले दिन स्टू का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि मोटी की शादी नहीं हुई। चार्ली खुशी से पागल हो जाता है और कैम के पास चला जाता है। सुबह चार्ली चौंक जाता है जब देखता है कि मोटी की शादी हो रही है। वह अपने दोस्त को कॉल करता है और पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला, तो वह बताता है कि उसने उन दोनों का रिश्ता मजबूत करने के लिए ऐसा कहा। स्टू की बुद्धिमत्ता के लिए उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। उसके बाद से चार्ली कैम को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, यहाँ तक कि उसके दोस्त को भी पीट देता है। कैम उसके इस बर्ताव से परेशान होकर रिश्ता तोड़ लेती है। चार्ली स्टू के पास जाता है और उस श्रापित चुड़ैल अनीशा का पता लगाने को बोलता है। वह अनीशा से मिलता है और सब बता देता है। वह बोलती है कि श्राप सिर्फ उसके मन में है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। इतना सुनकर वह आखिरी बार कैम के पास जाता है और उससे शादी के लिए पूछता है। आश्चर्य की बात है कि लड़की हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अनीशा एक गुड़िया से जिसमें चार्ली की तस्वीर लगी थी सुई निकाल देती है।